हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने बनाया है ये ब्यूटीफुल सा गरारा। ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सिंपल और इजी मेथड में आपको बताऊंगी जिसके हेल्प से आप ये गरारा बना सकते हैं। ये मैंने बनाया है एक वेस्ट फैब्रिक के हेल्प से, बट अगर आपके पास कोई दुपट्टा या साड़ी है जिसके हेल्प से आप इसे बना सकते हैं तो आप बेशक से भी बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उसे बनाने में। बस जो कपड़ा होगा कम से कम आपको 2.5 से 3 मीटर लगेगा। बट अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसे बनाने के लिए मेरे पास ये होजरी का मटेरियल जो काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है, मैं इससे बनाऊंगी अपना गरारा। तो सबसे पहले हम इसे अच्छे से फैला लेंगे, फैलाने के बाद डबल फोल्ड करेंगे, उसके बाद इसे एक और फोल्ड करेंगे। तो एक और फोल्ड करने के बाद हमारा फैब्रिक बन जाएगा 4 फोल्ड। इसे फोल्ड फोल्ड करने के बाद मैं इसके ऊपर प्लेस करूंगी अपनी जीन्स। आप चाहो तो इसके ऊपर अपनी कोई भी पैंट या ऐसी कोई भी फिटिंग पजामा भी प्लेस कर सकते हो। उसके बाद मैं इसे इतना लंबा रखूंगी ताकि मुझे अलग से बेल्ट ना ऐड करना पड़े, इसलिए मैं 2 इंच का बेल्ट इसी में ही रखूंगी ताकि मैं ऊपर से फोल्ड करके इलास्टिक इसमें डाल सकूँ। एक्स्ट्रा अलग से बेल्ट लगाना है तो आप अलग से भी बेल्ट लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैं साइड से आप देख सकते हैं 2 से 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ी हूँ फॉर सीम अलाउंस। क्रॉस एरिया के पास भी आपको कम से कम 3 इंच का मार्जिन छोड़ना हो, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जीन्स का मटेरियल लिया है। यहाँ मेरा बेटा आके बैठा है जो मुझे काफ़ी डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था। सो सारी मार्किंग जैसे कि आपने देखा मैंने ले लिया है, यहाँ पर मैंने लोअर थाइस तक ही मार्किंग लिया है। उसके बाद मैं इसे सारी जो मार्किंग्स है उसे कट कर लूँगी सिंपली सीजर की मदद से इस तरीके से। उसके बाद कट करने के बाद हमें अपने इस फैब्रिक को ओपन करेंगे और जो ऊपर फोल्डेड पार्ट आपको नज़र आ रहा है उसे भी हमें सीजर की मदद से ही कट करना होगा। इसे कट हो जाने के बाद हम साइड का जो क्रॉस एरिया है उसे स्टिच कर देंगे। ये दोनों ही साइड का हमें स्टिच करना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ये जो साइड का स्टिचिंग करने बताया है वहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ करूँगी और उसे स्टिच कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्टिच किया। अब दोनों जो सिलाई को हम इस तरीके से बीच में लेकर आएंगे तो यहाँ पे हमारी क्रॉश एरिया इस तरीके से बन जाएगी। और अब इस क्रॉश एरिया को भी आपको सिंपली मशीन के हेल्प से स्टिच कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्टिचिंग कर दिया है। उसके बाद जो आपके लोअर थाइज है उसे आप इस तरीके से मेजरमेंट में राउंड घुमाते हुए मेजरमेंट को आप इसे सबसे पहले मेजर कर लीजिए, तो क्योंकि अब हम काटेंगे रफल। तो इसे मेजर करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले हम इसे मेजर कर लेते हैं। तो ये मेरा मेजरमेंट आया है 17। हम इसे इसलिए मेजरमेंट कर दें क्योंकि हमें रफल काटने के लिए इसकी ज़रूरत होगी। तो मेरा था 17, तो हमें 6.28 से डिवाइड किया है तो आया है 2.7। तो हम जो रफल के ऊपर का हिस्सा होगा यानी जहाँ पर हमें लोहर था इस पर ज्वाइन करना होगा वहाँ पर हम फैब्रिक सबसे पहले हम फैब्रिक को फोफोल कर लेंगे और उसके बाद हम काटेंगे यहाँ पर 2.7 का सबसे पहले ऊपर का हिस्सा। यहाँ पर मैं बता दूं मैं एक रफल काट रही हूँ पहले, उसके बाद मैं दूसरा रफल काटूंगी इस तरीके से। फिर मैंने जो अपनी लेंथ रखूंगी रफल की वो होगी करीबन 18 इंच। तो 18 इंच पर फिर वापस से ऊपर से जो मेरा जाएगा वो है 21। तो मैं 21 पर इस तरीके से मेजरमेंट घुमाते हुए पॉइंट ड्रॉ कर लूंगी और इस सभी पॉइंट को मुझे बराबर से 21 तक ही इसे अच्छे से करना है ताकि नीचे एक अच्छा कर्व शेप आए। उसके बाद इस सारे पॉइंट्स को हमें इस तरीके से कर्व शेप में मिला देना होगा और अब हमें सिंपली इसे सीजर की मदद से कट कर लेना होगा। इस तरीके से जैसे कि मैं आराम से कट कर रही हूँ, आपको इसे आराम से कट करनी होगी, कोई खाई की ज़रूरत नहीं है, ताकि आपका जो नीचे का पोर्शन काफ़ी राउंड में कटे और जो आपका रफल है वो काफ़ी अच्छे से कट गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कट हो चुका है। अब हम इसे ओपन करेंगे और ध्यान दीजिएगा ओपन करने के बाद आपको सिर्फ एक साइड का कट करना है। अगर आपको एक साइड का नहीं भी कट करना है तो आप बिना कट के भी ज्वाइन कर सकते, बट मैं यहाँ पर एक साइड का ही कट कर लूँगी इसे।
एक साइड का कट करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने अपना दूसरा रफल भी यहाँ पे कट कर लिया है दूसरे पैर के लिए। सेम उसी ही प्रोसीजर से मैंने ऐसे कट किया है जैसे मैंने पहला रफल कट किया था। तो ये मेरा पहला रफल है और ये मेरा दूसरा रफल है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे अपने पजामे में कैसे ज्वाइन करना है। तो आपको सबसे पहले ऊपर का हिस्सा लेना है, उसके ऊपर इस तरीके से रफल प्लेस करते हुए राउंड घुमाते हुए स्टिच कर लेना है। यानी जो आपका ऊपर कपड़ा होगा वो होगा राइट साइड और रफल ऊपर की तरफ रॉन्ग साइड, ताकि आप जब स्टिच करेंगे तो नीचे की तरफ ये राइट साइड पे फ्लो होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्टिचिंग कर लिया है दोनों ही रफल। अब ऊपर की तरफ मैं यहाँ पे इलास्टिक ऐड कर लूंगी, 1 इंच फैब्रिक अंदर फोल्ड करते हुए खींचते हुए आपको इलास्टिक यहाँ पे ऐड कर लेनी होगी अपनी कमर के पास। और अब मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर जहाँ पे आपको सिलाई बुनाई के सामान मिलेंगे वहाँ पर से मैंने ये कुछ डेकोरेशन के लिए सामान खरीदा था। तो इस तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरीके से मैं यहाँ पर इसे सजा लूंगी। और इसे चिपकाने के लिए मैंने यूज़ किया है यहाँ पर फैब्रिक ग्लूगन। तो इस तरीके से मैं ग्लूगन के हेल्प से इस सारे जो मेरा डेकोरेशन का सामान है मैं इसी से इसके ऊपर लगा लूँगी। इस तरीके से मैं ऑल ओवर मैं इसे लगा लूँगी। ये बहुत ही सस्ता मिलता है, मुझे सिर्फ 16 रुपये में ये पूरा सामान मिल गया था, जिससे मेरा गरारा और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा गरारा है वो बन के रेडी हो चुका है। और पहनने के बाद आप इसका फ्लो देखिए और इसका लुक देखिए कि ये कितना अच्छा घर में बनता है। और बाहर हमें बेवजह टेलर को बहुत सारी इसके लिए स्टिचिंग चार्जेस देना पड़ता है। तो आप आराम से मेरी इस वीडियो के हेल्प से अपने लिए भी गरारा बनाइए और मुझे बताइए कि आपको मेरा आज का ये वीडियो और मेरा ये गरारा कैसा लगा। तो मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा भी आज का ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, टिल नेक्स्ट टाइम।